पांवटा साहिब में अवनीत सिंह लंबा एवं सचिन ओबराय जी के साथ श्री सत्यानंद गौधाम गौशाला बहराल व अन्य गौ सेवकों ने भारत गौ रक्षा जन जागरण भारत गौ रथ यात्रा का स्वागत किया। इस यात्रा के संयोजक व श्री राम गौधाम सेवा समिति ऋषिकेश के संचालक जगदीश भट्ट ने बताया कि गौ रक्षा जन जागरण गौ रथ भारत यात्रा देश के विभिन्न प्रदेशों में अपने आदर्शों और उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए अपनी यात्रा का सफल आयोजन कर रही है। यात्रा के साथ चलने वाले सभी लोग अपने अपने प्रेम और समर्पण से गौ रक्षा के महत्व को महसूस कर रहे हैं। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। संकल्पित ये यात्रा है, उनकी पूरी टीम की ये संकल्पित यात्रा है और 23 अक्टूबर गश्वानी मध्य प्रदेश जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और लगभग 6 राज्यों से होकर ये यात्रा पांवटा साहब में कल शाम को पहुंची। और इसका एक ही उद्देश्य है कि गौ माता आज हमारी निराश्रित सड़कों पर विचरण कर रही है। लोग गौ माता का दूध दही और मक्खन खाने के बाद और जब वो दूध देने की हालात में नहीं है तब उसको सड़कों पर छोड़ रही है, जिससे गौ माता की स्थिति दयनीय बनी हुई है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म की माता गौ माता है और पुरातन काल से सदियों से ही ऋषि मुनि भी गौ का पालन करते थे, उनको पालते थे, गौशाला हुआ करती थी, लेकिन आज लोगों ने इसकी स्थिति दयनीय बना दिया है और इसी को सुधारने के लिए और इसी संकल्प के साथ लोगों को जन जागरण करने के लिए और उनको संदेश देने के लिए कि गौ माता का अगर आप संरक्षण नहीं करेंगे, उनको फिर से उनका आश्रय नहीं देंगे तो जो हमारा मानव जगत है उसका कल्याण नहीं हो पाएगा। लोग जो है परेशानियों में ही रहेंगे और आप देख सकते हैं कि जगह जगह जब तब जो है इस धरा पर संकट हमेशा ही मंडराया रहता है। कितने दिन आपको हो गए हैं इस यात्रा? देखिए, ये आज हमारी यात्रा का जो है 14वां दिन है और कल ये 15वें दिन को ये हरिद्वार में इसका समापन होगा, जहां जो है हरिद्वार इसके साधु संत महामंडलेश्वर आएंगे। आप सभी लोग मीडिया के बंधु भी वहां पर होंगे और सकल जगत जितने भी लोग गौ माता में आस्था रखते हैं वो सभी लोग वहां पर होंगे। गौ माता की जय। आज हम लोग जिस स्थान में हैं पांवटा साहिब, हमें बड़ा ही खुशी होती है कि प्रत्येक क्षेत्र में हम जाके गौ माता के प्रति कुछ जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बात यह है कि बीज के अंदर सदैव प्राण रहते हैं और उसको जल डाल के सींचने का काम कोई गुरु ही करता है। हम तो ये मानते हैं गौ माता की जैसी त्रासदी थी वो आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, पर ये गुरु बनने का कार्य, वास्तविकता को प्रचार प्रसार में लाने का कार्य कि गौ माता कितने कष्ट में है, ये जगदीश भट्ट जी ने किया। और वास्तव में भगवान के द्वारा ही कहीं प्रेरणा मिलती है, क्योंकि नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद की वास्तविकता प्रेम जिसके लिए है वो गौ माता है और गौ माँ इस धरती की माँ है, क्योंकि धरती भी माँ है और ये गौ भी माँ है और जिसने हमें जन्म दिया वो भी माँ है। वास्तव में अगर हमें इन तीनों की रक्षा ना कर पाए तो हम पे धिक्कार है, क्योंकि हम विश्व गुरु अपने आप को कहते हैं, वो थे अभी है नहीं। विश्व गुरु हम तभी रह पाएंगे हो पाएंगे जो गौ माता को हम रक्षा कर पाएंगे या गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर पाएंगे। जय श्री राम। श्री राम गौधाम सेवा समिति आज पांवटा में आगमन पर मैं इनका स्वागत करता हूँ। मुझे महंत संजय जी का फ़ोन आया और मुझे पता लगा कि पांवटा साहिब में 4 तारीख को गौ सेवक आ रहे हैं अपनी यात्रा लेकर, तो हमने अपने आप को सौभाग्यशाली माना कि पांवटा में इनके आगमन पर हम इनके जो ये पैदल पद यात्रा करते हुए आ रहे हैं हम इनकी समय सेवा करने का मौका मिले। तो मैंने भाई सचिन को इसमें, क्योंकि सचिन का जो प्यार है गौ माता के लिए वो सबको पता है, आप सबको भी पता ही है, तो वो रखते हुए हमने जो हमसे बन पड़ा हमने इनकी स्वागत किया, इनके रहने का यहाँ व्यवस्था करी और पांवटा में ये लोग रहे और आए, इसके लिए मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ और इनके आने का स्वागत करता हूँ। और जो आपका सवाल है, मेरा भी इनसे यही रिक्वेस्ट थी कि गौ सेवा तो जो लोग कर रहे हैं कर रहे हैं, जो सड़कों पर गौ माता और जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सड़कों पर लवारिस घूम रहे हैं, उनके लिए कोई ना कोई समाधान होना चाहिए। ये मेरी भी इनसे यही मांग थी। मैं सचिन की गौशाला में गया तो वहाँ पे
आवारा पशु जो थे उनको इन्हें जिनको लोगों ने छोड़ दिया था, जो बीमार थे जिन्होंने घर से निकाल दिया था, तो कुछ ऐसा भी ये लोग सरकार से मांग रखें, क्योंकि इनके माध्यम से हमारी मांग आगे जाएगी कि कोई ऐसा हमारा बजट हो जिसमें जो गौ माता बीमार हो जाती है, वृद्ध हो जाती है, जो लोग छोड़ देते हैं, तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो घर में रखने के बाद गौ माता को छोड़ देते हैं जो लोग, उनके लिए भी एक कड़ा ऐसा एक कानून बनना चाहिए कि उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त, कि जब तक तो वो गौ माता दूध दे रही है वो उनकी माँ है, और जब वो वृद्ध हो जाती है तो उसको सड़क पर छोड़ देते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं इनसे कहूँ, मेरी भी पौंटा आगमन पर इनसे यही रिक्वेस्ट है कि उसी चीज़ के ऊपर ये जोर दें, क्योंकि जब तक तो घर में माँ बाप भी जब तक बच्चे को पालते हैं तब तक वो माँ बाप होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो उसी तरीके से अगर गौ माता को ये अपनी माँ कहते हैं, और हम सब की माँ है, सनातन धर्म में सिख धर्म का भी पूरा विश्वास है, और सिख धर्म भी जो है वो सनातन धर्म का ही एक हिस्सा है, और हम अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम इस ऐसे धर्म से जुड़े हुए हैं जहाँ सेवा भावना रहती है। और जब मुझे इनका फ़ोन आया कि आपके पास रहना है, तो मेरे को तो लगा कि हमारे तो गुरु नानक देव जी ने बोला कि अतिथि देवो भव, आओ सेवा करो लंगर चलाओ, तो उसमें हमारी तरफ से कोई कमी रही हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पर हमने कोशिश करी, आए, यहाँ से जा रहे हैं। मैं यही कहूँगा, जिस दिन आप 20 नवंबर को सरकार से मांग रखें, तो ये मांग जरूर रखें कि जो सड़क पर वृद्ध गौ माता जो घूम रही हैं, जिनको पकड़कर सचिन जैसे लोग अपना दिन रात एक कर गौशाला चला रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है, वो बहुत ज़रूरी है। इन चंद शब्दों से मैं अब धन्यवाद करता हूँ। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। फेस्टिवल सीजन में आप भी अपने पसंदीदा स्कूटर को घर ला सकते हैं, और वह भी मात्र 5000 की डाउन पेमेंट पर, और एक्सपल्स 4V बाइक मात्र 18000 की डाउन पेमेंट पर। देश ही नहीं दुनिया की नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प इस फेस्टिवल सीजन में अपने ग्राहकों के लिए लाए हैं स्कूटर्स व बाइक्स के विस्तृत रेंज, जो कि बेहतरीन कीमत में बेहतर माइलेज, लो मेंटेनेंस कॉस्ट सहित सबसे ज्यादा सर्विस व सबसे ज्यादा वारंटी का भी दावा करती है। स्कूटर्स व बाइक्स की यह विस्तृत रेंज उपलब्ध है सोलन के देवघाट स्थित रनवे हीरो सहित रनवे मोटर्स के प्रदेश में स्थित सभी आउटलेट्स व शोरूम में। केवल 5000 की डाउन पेमेंट देकर आप भी घर ले जा सकते हैं स्कूटर। फेस्टिव ऑफर में एक्सपल्स 4V बाइक मात्र 18000 की डाउन पेमेंट में, साथ ही एक्सपल्स 4V की खरीद पर ग्राहक को मिलेगा 5000 का गिफ्ट वाउचर भी। रनवे हीरो के MD तुषार गुप्ता ने बताया, ये सभी स्कूटर्स व बाइक्स अफोर्डेबल रेट के साथ उपलब्ध हैं, और कंपनी द्वारा 5 फ्री सर्विस व 5 साल की वारंटी भी दी जा रही है। इसके साथ ही हीरो मोटोकॉर्प डेस्टिनी प्राइम स्कूटर के अलावा स्कूटर के सभी मॉडल पर 3000 का एक्सचेंज ऑफर व फेस्टिव सीजन के दौरान 15 नवंबर तक रोड साइड असिस्टेंस की भी सुविधा अपने ग्राहकों को दी जा रही है। तो इससे बेहतरीन ऑफर कहां मिलेगा, आज ही विजिट कीजिए रनवे हीरो मोटर्स के नजदीकी शोरूम या आउटलेट का, और इस फेस्टिवल सीजन करें अपने सपनों को साकार।